हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर बैक विद अ न्यू क्वेश्चन एंड न्यू क्वेश्चन इज वी हैव टू कैलकुलेट थेवेनिन इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो इसको ध्यान से देखो, ये तो ए और बी के बीच में हमें क्या बताना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इसमें क्या करना, थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। ये क्या कहता है कि हम किसी भी सर्किट को उसके इक्विवेलेंट इम्पीडेंस और उसके VTS से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दो नोड के बीच में पूछा, वो होता है हमारा लोड, ठीक है। वहाँ पे लगाते हैं हम लोड जिन दो पॉइंटों के बीच में पूछा होता है। और बाकी का देखो कैसे क्या 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 इक्विवेलेंट क्या क्या होगा इसका। मैं यहाँ पर इसका पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। एक होगा वोल्टेज सोर्स जिसे हम कहेंगे VTH, एक होगा इम्पिडेंस जिसे कहेंगे हम ZTH, एक होता है यहाँ पे हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में पूछा, ठीक है। अगर हमें हमें दे रखा होता ए और बी के बीच में कुछ लोड, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे लगाते। लोड यानी अगर हमसे पूछा होता कि इस ब्रांच में करंट बताओ, तो उसी को उसी ब्रांच को क्या कहते हैं हम, लोड मान लेते हैं। और फिर उसमें जो भी चीज़ पूछता करंट या वोल्टेज उसके अकॉर्डिंग निकालते। तो हमसे बस इतना पूछा ए और बी के बीच में क्या बताना हमें, थेवेनिन इक्विवेलेंट, हमें एक VTH फाइंड करना और ZTH। अब ध्यान से देखो, ये देखो जो करंट इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी, यानी ये और ये दोनों सीरीज में, ऐसे ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इनके पैरेलल में जितना पैरेलल में वोल्टेज सेम होता, तो ये दोनों सीरीज में, तो करंट वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, इस वाले इसको मैंने मान लिया वी ए, इसका मान लिया वी बी। तो वी टी एच की जो वैल्यू होगी क्या होगी, वी ए माइनस वी बी। और हमें पता है, मैं इन दोनों के एक्रॉस में वोल्टेज पता है, इन दोनों के एक्रॉस पता है कितना, 120 एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री वोल्ट। तो वी ए की जो वैल्यू होगी क्या होगी, वोल्टेज डिवीजन रूल से क्या होगी, जितना वोल्टेज दे रखा मल्टीप्लाई बाय जिसके एक्रॉस निकालना है, ठीक है। वी ए निकाल रहा हूँ तो मैं इसके एक्रॉस निकालूंगा, ठीक है, इसके एक्रॉस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो कौन कौन से, ये और ये, ठीक है, 8 माइनस j6। तो इसको सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, वो सोल्व वो का आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं पिछले वाले वीडियो में इतने सारे में फेजर ये सोल्व करना बता चुका हूँ, 96 एट एन एंगल ऑफ 111.87 डिग्री। ऐसे वी भी निकालो, वी भी क्या होगा, सेम 120 एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री मल्टीप्लाई बाय ये कितना, j12 अपॉन कितना, 4 प्लस j12, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, वो सोल्व हो का आएगा 113.8493.43 डिग्री, ठीक है। v और v भी आ गया, तो VTH क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी। तो 96 एट एन एंगल ऑफ 111.87 डिग्री माइनस 113.84 एट एंगल ऑफ 93.43 डिग्री। तो वी टी एच की जो वैल्यू आ जाएगी, इसको क्या करना है, डायरेक्टली सेपरेट करना है। पहले इसको किस में, रेक्टेंगुलर में चेंज करना है, देन सेपरेट करेंगे, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ कैसे रेक्टेंगुलर में चेंज करते हैं। 96 कोस 11 जो भी एंगल होगा 87 प्लस जे ये 96 साइन और एंगल 11187 डिग्री। ऐसे इसको करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो 113.84 कोस ये कितना 93.43 डिग्री, अगेन माइनस आ जाएगा, माइनस जे 113.84 यह आ जाएगा साइन 93.43 डिग्री, ठीक है। इतना कर लिए, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी VTH की कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक है, 29 माइनस j 24.55। तो इसको अगर मैं फेजर में चेंज करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 37.99 एट एन एंगल ऑफ 220.25 इतने डिग्री, ठीक है। तो VTH की वैल्यू आ चुकी है हमारी। ऐसे ही अब ZTH कैलकुलेट करेंगे। तो ZTH कैलकुलेट करने के लिए हमें हमेशा क्या करना,
जेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या करना है, जो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को ही करना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा उसको तो हमें करना है शॉर्ट सभी क्वेश्चन में, ठीक है, इंडिपेंडेंट को जब हम जेटीएच निकालेंगे, और हमें इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को करना हमें ओपन, ठीक है। हमारे यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो हम उसको बस शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। जेटीएच क्या होता है, उन दोनों जिन दो पॉइंट के बीच में पहुंचा गया वहां से देखने पे जो इम्पीडेंस मिलेगा, ठीक है। तो अपने सर्किट में वापस आओ, इसको शॉर्ट कर दूंगा मैं, तो मेरा सर्किट कैसे दिखेगा, मैं इसको बस शॉर्ट कर दे रहा हूँ, उसके बाद का डायग्राम मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट इसको कर दूंगा तो मेरा सर्किट कैसे दिखेगा, ये अब मैंने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। मेरे पॉइंट क्या क्या है, ये ए रहा, बी बी रहा, मुझे इन दोनों के पीछे में जेड टी एच पूछा है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू लिख दूं मैं, जो भी इम्पिटेंस थे यहाँ पे इनके, -J6, ये 4, वो J12 और 8, ये आएगा 8 ओम, ये J12, ठीक है। अब ये समझ लो, ए और बी के बीच में हमें इम्पिटेंस फाइंड करना है। तो अब देखो, जब भी ऐसे थोड़ा बहुत इसमें कभी कभी फंस जाते हैं लोग, तो इस कैसे पता लगाना कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। तो मैं मान लिया इसका, इसको इस वाले नोड को कह दिया मैंने एक्स, इसको कह दिया वाई। देखो एक्स और वाई सेम है उसमें, जो एक्स और वाई के बीच में कुछ नहीं है, तो एक्स और वाई क्या होगा, एक ही नोड होगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए ए, और यहाँ पे लिखता हूँ x, y, ठीक है, दोनों एक ही नोड है। ए आप देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको कह दिया मैंने ए, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बी, ठीक है। ए और बी के पूछ में पूछा, और क्या पॉइंट है, एक्स और वाई। यहाँ पे ध्यान देखो, ए से और एक्स के बीच में कौन सा इम्पिडेंस जुड़ा, -J6। तो यहाँ पे ए और एक्स के बीच में कितना, -J6। ऐसे ए और वाई के बीच में कितना, 8 ओम। तो ए और वाई के बीच में कितना, 8 ओम। ध्यान से देखो नेक्स्ट, बी और एक्स के बीच में कितना, बी और एक्स के बीच में 4 ओम, 4 ओम, और बी और वाई के बीच में J12, J12, ठीक है। अब तो कोई भी कर देगा इसको, ए और बी के बीच में ये दोनों सीरीज में, ये सॉरी ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस में, सीरीज में। तो जेड टी एच जा जाएगा ए और बी के बीच में, इन दोनों का पैरेलल 8 पैरेलल -J6, ठीक है। देन सीरीज है इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसके, 4 पैरेलल J12 के। और इन दो इम्पिडेंस को सोल्व करना तो हम जानते ही हैं, ये सोल्व होके जो आएगा फाइनल, मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है, इसको सोल्व करके जो आएगा वो आएगा 6.47 -J 2.64। मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, जितनी मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया कि कैसे फेजर टू कैसे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। फेजर से रेक्टेंगुलर में चले जाते हैं, रेक्टेंगुलर से फेजर में आ जाते हैं। तो जेड टी एच आ चुका है और वी टी एच आ चुका है। हमारा जो सर्किट था क्या था, वी टी एच और जेड टी एच, थेवेनिन इक्विवेलेंट हमारा आ चुका है यहाँ पे, इसको यहाँ पर जेड टी एच ए और बी के बीच में। तो वी टी एच की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है मेरे, वी टी एच की जो वैल्यू आई थी हमारी वो थी, कहाँ गई, 37.99 एट एन एंगल ऑफ 220.45 इतने वोल्ट, ठीक है। और जे टी एच की जो वैल्यू आई है वो ये 6.47 -J 2.64 ओम, ठीक है। यही है हमारी थेवेनिन थ्योरम। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा थेवेनिन थ्योरम पे बेस्ड, इसी तरह से करना, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम क्या करती है, किसी भी नेटवर्क में किसी भी एक पार्टिकुलर इम्पीडेंस के लोड के एक्रॉस करंट या वोल्टेज फाइंड करने के काम आती है, ठीक है। तो एक बार हम ये जेटी या वीटीएस फाइंड कर लें, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लोड को वेरी करा करा के उसमें करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, करंट और वोल्टेज की, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।